हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आरडी स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन करेंगे 5 6। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, चूंकि हमने 5 तक का क्वेश्चन सोल्यूशन करा दिया है। ठीक है ना, 5 तक का क्वेश्चन सोल्यूशन करा दिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करना है आपको। सिंपल तरीका से हल करना है। क्या करना है भाई, साइन क्या है x इंटू फिर साइन 2x लिखा हुआ है, फिर आपका साइन 3x लिखा है। हमें क्या करना है, 2 से गुना 2 से भाग करना है। तो पहले हम 2 से भाग और 2 से गुना कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये काम हमने पहले कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एक सूत्र लग रहा है। कौन सा सूत्र लग रहा है, देखिए आपको हम बताते हैं कि कौन सा यहाँ पे सूत्र लग रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां से यहां तक एक सूत्र लग रहा है। कौन सा सूत्र, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि चूंकि 2 sin A (sin B) बराबर क्या होता है भाई सूत्र, तो होता है cos A - B cos A - B - cos A + B। इसका यही सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है, cos A - B - cos A + B, इसी सूत्र पर हम इसको सेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1/2, और यहाँ से यहाँ तक सूत्र लग जाएगा। cos लिखना है मेरे को A - B, तो देखिए यहाँ पे A के स्थान पे x है, B के स्थान पे 2x लिखा है, तो x में से 2x माइनस करिएगा, x में से 2x माइनस करिएगा, तो कितना आएगा भाई, -x आएगा। तो यहाँ पे -x लिखना है। ठीक है, सूत्र में माइनस, फिर लिखा है cos A + B, यानी कि x + 2x, इन दोनों को आपको जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा भाई जोड़कर, तो जोड़कर हो जाएगा 3x। तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिए 3x हो गया। अब हमने इसको सूत्र में तोड़ दिया, अब क्या करना है भाई, लिखा हुआ है sin 3x। ठीक है, dx है, तो अब क्या करना है आगे, तो यहाँ पे माइनस खत्म हो जाता है कॉस में। हम चूंकि बताया था ये सूत्र आपको कि cos - x = cos x। ठीक है, यहाँ पे माइनस थीटा हट जाता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, cos x माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos 3x, फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे sin 3x, फिर आपका dx। अब इसको आगे बढ़िएगा तो इसको गुना कर लीजिए दोस्तों। गुना कैसे करिएगा, cos में sin से करिए, तो cos 3x (sin) कितना, sin 3x हो गया, और माइनस लिखा है तो माइनस फिर इसमें करना होगा, cos 3x (sin 3x) यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे cos x था, ये पे मिस्टेक हो रहा है, तो यहाँ पे cos x में गुणा किए कितना से, sin 3x, तो कर दी माइनस से, तो माइनस cos 3x में sin 3x से कर दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको दो पार्टों में तोड़ देंगे। क्या करेंगे, दो पार्टों में तोड़ देंगे। देखिए कैसे तोड़ेंगे, सिंपल तरीका से हम कैसे इसको तोड़ेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे कैसे तोड़ते हैं, एक लाइन और बढ़ाते हैं यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे इसको पहले हमने क्या कर लिया कि cos x (sin 3x), ठीक है, dx है तो भाई dx लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस, 1/2 इसमें भी लगेगा, 1/2 है तो 1/2 लगाइए, फिर क्या लिखा हुआ है, cos 3x (sin), हम थोड़ा इसको इधर उधर करके लिखते हैं। चलिए साइन को पहले लिख देते हैं 3x, फिर cos x को बाद में लिखते हैं। ठीक है, इससे हमें एक बेनिफिट होगा, आपको थोड़ी देर में हम बताएंगे कि बेनिफिट क्या होगा यहाँ से इधर उधर करने से। तो देखिए क्या बेनिफिट होगा, 2 से इसमें गुणा कर लीजिएगा, 2 से भाग, तो यहाँ पे एक सूत्र आ जाएगा। क्या सूत्र होता है, ये थीटा के स्थान पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3x लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 3x, तो यहाँ पे सूत्र बन जाएगा, यहाँ भी सूत्र बनेगा, 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे, इसमें भी 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे। कैसे, देखिए तो जब इसमें 2 से भाग करेगा तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 4, 1/4, फिर अंदर भी 2 से, जब 2 से भाग कर दिए तो 2 से गुना, चलिए 2 से गुना कराइए, तो 2 cos x (sin 3x), ठीक है, dx है तो dx, ठीक है, माइनस 1/2, यहाँ भी 4 कर लेंगे, 2 से भाग कर दिए तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा भाई, तो sin 3x है तो sin 3x, cos कितना भाई, तो cos 3x, ठीक है, dx है तो dx। चलिए अब ये इसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। अब ये सूत्र में आ गया 2 cos A (sin B), और यहाँ पे सूत्र लग गया 2 sin A (cos B), यहाँ पे तो ये सिंपल एक सूत्र बन गया,
तो यहाँ भी देखिए दोस्तों, यहाँ भी थोड़ा हम क्या करते हैं, साइन थ्री को पहले लिखेंगे और कॉस एक्स को बाद में लिखेंगे, तो इससे क्या होगा बेनिफिट देखिए बताता हूँ आपको। तो कॉस थ्री एक्स को हम यहाँ पहले लिख देते हैं, सॉरी साइन थ्री एक्स को पहले लिख देते हैं इन टू ए कॉस एक्स को बाद में लिखते हैं, गुना में है तो हम इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सूत्र में आ जाएगा, यहाँ पे कौन सूत्र लगेगा, यहाँ पे कौन सूत्र लगेगा देखिए हम आपको लिख देते हैं। तो देखिए टू साइन ए इन टू कॉस बी, ठीक है, यहाँ पे टू साइन ए इंटू कॉस बी फॉर्मूला लग रहा है। तो टू साइन ए इंटू कॉस बी का सूत्र होता है दोस्तों साइन ए प्लस बी, क्या होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये हो जाता है सूत्र, ठीक है। तो इसमें तो हमें कौन सा सूत्र लगाना है ये पता हमें चल गया, और इसके लिए दोस्तों क्या सूत्र होगा, एंड इसके लिए सूत्र लिख देता हूं टू साइन ए, यहां पे लिख देता हूं टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन ए इंटू कॉस ए, टू साइन ए इंटू, देखिए यहाँ पे ए थीटा के स्थान पे जो है वो इसमें भी वही है, तो टू साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए बराबर हो जाता है साइन टू ए, क्या हो जाता है साइन टू ए, थीटा के रूप में लिखेंगे तो थीटा के रूप में भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये सूत्र होता है, तो हमने यहाँ पे दो सूत्र लगाया, चलिए दोनों सूत्र को हम यहाँ पे सेट करते हैं, एक बटे चार है तो एक बटे चार, टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी क्या है साइन ए प्लस बी, यानी इन दोनों को जोड़ना है, थ्री एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा तीन एक्स चार एक्स, ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, फिर क्या लिखा भाई साइन ए माइनस बी, यानी कि थ्री एक्स में से एक्स घटाएंगे कितना हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा, ओके ए में से बी घटा देंगे तो थ्री एक्स में से हम घटाएंगे कितना भाई एक्स घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस टू एक्स हो जाएगा, ओके। अब चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डी एक्स है तो डी एक्स यहाँ पे सेट कर लेंगे, अब चलिए यहाँ पे क्या लिखा है माइनस एक बटे चार लिखा है तो एक बटे चार लिख देंगे, और यहाँ पे सूत्र कौन सा लग रहा है टू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर टू साइन टू ए, तो लिख दीजिए साइन टू ए के स्थान पर कितना है थ्री, तो तीन गुना कितना हो जाएगा छ एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ओके। यहाँ तक लेकर आपको समझ में आया होगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने एक सूत्र में मिस्टेक किया, यहाँ पे प्लस होता है, क्या होता है प्लस टू साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया साइन ए प्लस बी, यानी कि तीन एक तीन तीन एक्स एक एक्स कितना हो जाएगा चार एक्स, ठीक है, यहाँ पे प्लस देना चाहिए था मेरे को, ठीक है प्लस, और साइन ए माइनस बी तीन में से एक्स घटाएंगे तो दो एक्स हो जाएगा, ठीक है, और इसको हमने ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे टू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होता है साइन टू ए, तो साइन टू और ए ए के मान थीटा के मान कितना है तीन, तो तीन गुना छ एक्स हो गया। चलिए आगे बढ़िए, इसको आप अब समाकलन कर दीजिए, इसको डायरेक्टली भी किया जा सकता है या फिर इसको दो पार्टों में तोड़ दीजिए, चलिए हम दो पार्ट में तोड़ के कर देते हैं, साइन फोर एक्स डी एक्स प्लस एक बटे चार है तो एक बटे चार, फिर यहाँ पे साइन टू एक्स डी एक्स यहाँ पे एक बटे चार, फिर लिखा है साइन सिक्स एक्स डी एक्स हो गया। अब क्या करना है भाई, तो यहाँ पे आपको क्या करना है एक बटे चार और साइन का क्या हो जाएगा कॉस, माइनस कॉस होता है, क्या होता है माइनस कॉस, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे एक बटे चार है, और कॉस फोर एक्स होगा ना बट्टा में जो सटा है एक्स का मान जो सटा है एक्स में वो बट्टा में आ जाता है प्लस, लेकिन यहाँ पे साइन का होगा तो माइनस कॉस होगा तो इसको माइनस बना देगा, ठीक है प्लस माइनस बना देगा, यहाँ पे कॉस टू एक्स होता है टू एक्स एक्स में जो सटा है बट्टा में आएगा माइनस, यहाँ पे देखिए साइन का होगा तो माइनस कॉस होगा तो माइनस माइनस प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखा है सिक्स एक्स, यहाँ पे साइन का क्या होगा कॉस ना होगा कॉस सिक्स एक्स, ठीक है बट्टा में छः हो जाएगा प्लस सी। अब इसको आगे बढ़ाना है दोस्तों, तो आगे बढ़ाना है तो क्या करना है, तो इसमें देखिए सब में देख रहे हैं चार एक बटे चार कॉमन मिल रहा है, चाहेंगे तो आप एक बटे चार को बाहर ले लीजिए, ठीक है तो बाहर लीजिएगा तो यहाँ पे माइनस बचेगा, ठीक है तो यहाँ पे क्या बचेगा एक बटे चार कॉस फोर एक्स, माइनस अगर बाहर लेते हैं तो ये सब प्लस में हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, आपकी मर्जी माइनस में लेना चाहेंगे कॉमन कि प्लस में कॉमन लेना चाहते हैं, ठीक है तो चलिए माइनस में लेते हैं कॉमन, तो चलिए यहाँ पे बच जाएगा माइनस एक बटे चार तो बाहर चल गया है तो कितना हो जाएगा एक बटे दो यहाँ पे कॉस टू एक्स बचेगा, एक बटे चार तो बाहर चल गया है तो प्लस एक बटे छः बचेगा और यहाँ पे कॉस सिक्स एक्स और प्लस सी, यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है तो आशा करता हूँ कि आप इसको आसानी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है कि कैसे हमने किया, हमने क्या कर लिया पहले हमने इसको लिख दिया समाकलन के रूप में,
दो से गुणा दो से भाग कर लिया तो यहाँ पे सूत्र लग रहा है टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, तो वही हमने सेट कर दिया। तो कॉस लिखा है और ए माइनस बी, एक्स में से दो एक्स घटा है तो माइनस एक्स, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ दिए हैं और इसको जो सांप है वैसे ही लिख दिया है, ठीक है, सूत्र में सजा दिए, जैसा था वैसे ही माइनस थीटा प्लस हो जाता है, इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे छोड़ दिया, इसको गुना करा दिया तो देखिए इतना आ गया, फिर इसको इन दोनों को गुना कराया बीच में माइनस है तो माइनस, फिर हमने इसको दो पार्टों में तोड़ दिया, इतना को ऐसे रख दिया, एक बटे दो है इसमें भी लगा है डी एक्स लगा दिया, माइनस तो माइनस, एक बटे दो तो इसमें भी होगा ना गुना, तो एक बटे दो गुना करें, इसको ऐसे रख दीजिए डी एक्स है तो डी एक्स, अब दो पार्टों में, अब हम इसमें सूत्र में लगाने के लिए दो से गुना दो से भाग करेंगे, दो से गुना दो से भाग करेंगे, दो से यहाँ पे भाग करिएगा, पहले से दो है तो दो गुना चार हो गया, और यहाँ पे टू गुना कराइएगा, देखिए हम इसको थ्री वाले को पहले लिख दिया हूँ साइन थ्री एक्स को, और कॉस एक्स वाला को बाद में लिख दिया हूँ डी एक्स, इसमें भी दो से गुना दो से भाग, तो दो गुना पहले से दो था तो दो से और भाग होगा तो कितना हो जाएगा चार हो जाएगा, यहाँ पे दो से गुना लग जाएगा, देखिए लगा दिया है, और इसको भी हमने क्या कर लिया है यहाँ से, यहीं से हम इधर उधर किए हैं, साइन को पहले लिखे हैं कॉस को बाद में, ठीक है, तो वही हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सूत्र कौन सा लगाया अभी आपको बताया है कि दो टू साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो वही हमने कर लिया यहाँ पे रख दिया, और इसको क्या किया है ए प्लस बी यानी कि तीन गो एक्स, एक गो एक्स, चार गो एक्स, प्लस है तो प्लस, साइन है तो साइन, ए माइनस बी यानी थ्री एक्स में से एक गो एक्स घटेगा तो टू एक्स हो जाएगा, डी एक्स है तो भाई डी एक्स लग गया, माइनस एक बटे चार, तो यहाँ पर साइन टू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या होता है साइन टू ए, तो लिख दिया साइन टू ए के मान कितना है भाई थ्री एक्स है, थ्री एक्स है तो तीन दो ना छः एक्स हो गया डी एक्स, इसको दो पार्टों में तोड़ दिए, तो इसको हमने दो पार्टों में, तो एक बार ये कर लिए डी एक्स लगा दिए, एक बटे चार तो रहेगा दोनों में, इसमें भी आएगा एक बटे चार, और इसको भी डी एक्स लगा के अलग तोड़ दिए, माइनस एक बटे चार ऐसे छोड़ दिए, अब चलिए यहाँ पे एक बटे चार, और यहाँ पे साइन का क्या होता है माइनस कॉस होता है, माइनस लगा दिया एक बटे चार है तो एक बटे चार, और उसके बाद हमने क्या किया है कि इसमें जो सटर रहता है बटा हो गया प्लस प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे कॉस साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस हो गया एक बटे चार है, यहाँ पे कॉस हो गया टू जो सटा है एक्स में जो सटा रहता है बटा में आता है, और यहाँ पे माइनस होता प्लस हो गया क्योंकि माइनस साइन यहाँ से साइन का क्या होगा माइनस कॉस होगा, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया एक बटे चार, और इसका कॉस लिख दिया जो सटा था एक्स में बटा में प्लस सी, इसमें हम सबका सब देख रहे हैं एक बटे चार एक बटे चार एक बटे चार, तो बाहर ले लीजिए एक बटे चार माइनस लिख दिया, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया एक बटे चार, और एक कॉस फोर एक्स, एक बटे चार तो बाहर चल गया था एक बटे दो कॉस टू एक्स, एक बटे चार तो बाहर चल गया था एक बटे छ, और कॉस सिक्स एक्स प्लस सी आंसर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवन, उसी तरह से इसको भी सॉल्यूशन करना है, आई इक्वल टू लिख देते हैं साइन फोर एक्स इंटू साइन एट एक्स, हम यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाए थे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे वही सूत्र फिर लगा देंगे इसमें भी, तो देखिए हमने कौन सा सूत्र लगाया था टू क्या लगाया था, देखिए यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी लिखा है, साइन ए इंटू साइन बी, तो कौन सा सूत्र होगा टू साइन ए इंटू साइन बी इजकल टू क्या फॉर्मूला होता है भाई, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हो गया, इसी फॉर्मूला पर क्या करना है भाई सेट कर देना है, चलिए सेट करते हैं, देखिए तो हमने क्या कर दिया पहले इसमें दो से गुना दो से भाग लगाएंगे तभी तो होगा फॉर्मूला में सेट, तो चलिए यहाँ पे हमने दो से गुना दो से भाग कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई फोर एक्स इंटू एट एक्स, ठीक है ये हमने लिख दिया, अब ये फॉर्मूला हमने लिखा है वो सेट करेंगे, चलिए सेट कैसे करते हैं सेट करते हैं, तो एक बटे दो है तो एक बटे दो लिखिए, टू साइन ए इंटू कॉस साइन बी इक्वल टू क्या लगाना है भाई कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी यानी चार एक्स में से आठ एक्स, आठ एक्स घटेगा कितना आएगा तो माइनस चार एक्स आएगा, तो माइनस चार एक्स लिख दिए, सूत्र में माइनस है कॉस ए प्लस बी यानी चार आठ हजार कितना हो जाएगा भाई तो बारह हो जाएगा, तो बारह एक्स लिख दीजिए, अब इसी को आगे बढ़ा देना है, तो सिंपल तरीका से एक बटे दो हो गया, ये माइनस हो जाता है, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था सूत्र माइनस से तो माइनस कॉस बारह एक्स है तो कॉस बारह एक्स लिख दिया, अब क्या करना है भाई तो इसको दो पार्टों में तोड़ देना है, चलिए तोड़ते हैं इसको एक बटे दो और लिख दिया भाई कॉस फोर एक्स, कॉस फोर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगाइए एक बटे दो, तो दोनों में गुणा होगा ना भाई इसमें भी तो होगा, चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया, उसके बाद क्या करना है कॉस बारह एक्स है तो कॉस बारह एक्स लिख दीजिए, ठीक है, और डी एक्स है तो डी एक्स, अब आगे बढ़ाइए एक बटे दो, कॉस का क्या होता है साइन होता है, अभी आपको पता होगा फॉर्मूला, जो सटा है बट्टा में आएगा भाई, जो एक्स में सटा है बट्टा में एक बटे दो, अब कॉस का क्या होता है साइन हो जाता है,
ठीक है, 12x है तो 12x प्लस सी, इसमें जो सटा होता है x में वो बटा में आता है, आपको पता होनी चाहिए। तो 1/4 गुना क्या हो गया 8, और साइन कितना लिखा है 4x, ठीक है, 1/12 × 24, साइन कितना भाई तो 12x प्लस सी, यही इसका आंसर। या फिर 1/8 कॉमन लेना चाहेंगे तो आप कॉमन ले सकते हैं, चाहे इसका आंसर आप इतना ही छोड़ सकते हैं, ठीक है, इतना ही छोड़ सकते हैं, या फिर 1/2 देखते हैं, देख रहे ना दोनों में कॉमन था वो भी ले सकते थे, या 1/4 भी कॉमन ले सकते थे, या इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम इसमें 1/8 को कॉमन ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन 4x माइनस 8 × 3 = 24 होता है ना, 1/3, यहाँ पे कितना आएगा 1/3 साइन 12x, ठीक है, प्लस सी, हमने 1/8 ले लिया था, इसमें 1/8 ज्यादा था, इसमें 8 × 3 = 24 हो जाएगा ना दोनों के, तो इसका आंसर इतना या फिर इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो पहली बार मेरे चैनल पर आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा ताकि इस तरह से वीडियो आपके लिए लाता रहूं, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।